गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, आपके लिए लेकर हाजिर हूं जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कम बारिश और भीषण गर्मी के कारण देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है। इसमें जल स्तर कुल भंडारण क्षमता का 24% रह गया है। पिछले साल के जल स्तर के मुकाबले मौजूदा जल स्तर में 21% की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग ने देश भर में 150 प्रमुख जलाशयों के ताजा भंडारण स्तर की स्थिति बताई है। पिछले साल की तुलना में जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा गिरावट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में दर्ज की गई है। इन राज्यों में मौजूद 42 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 53 अरब क्यूबिक मीटर है, जबकि मौजूदा समय में इन जलाशयों का भंडारण स्तर गिरकर 7.4 अरब क्यूबिक मीटर रह गया है। ये सामान्य स्तर से काफी कम है। खाद्य महंगाई कम करने में अच्छे मॉनसून और प्रभावी पॉलिसी उपायों की बड़ी भूमिका होगी। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक समीक्षा रिपोर्ट में ग्लोबल जियोलॉजिकल स्थिति के बारे में आगाह करते हुए कहा है कि युद्ध की वजह से कमोडिटी की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। उपभोक्ता खुदरा महंगाई मार्च में 4.85% थी, जो अप्रैल में घटकर 4.83% हो गई। मुख्य रूप से गैर खाद्य उत्पादों के कारण पिछले 11 महीने में सबसे कम दर है। इसी महीने के दौरान सब्जियों की ऊंची कीमतों के कारण खाद्य महंगाई दर 8.5% से बढ़कर 8.7% हो गई। रबी सीजन में बेहतर उत्पादन से गेहूं और चना जैसी प्रमुख फसलों की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी भी खाद्य उत्पादन और कीमतों के दबाव को कम करने के लिए अच्छा संकेत है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे चढ़कर 83.10 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 19 मार्च के बाद रुपए का ये सबसे ऊंचा स्तर है। भारी एफपीआई इनफ्लो की वजह से डॉलर की बिक्री बढ़ी है, जिसकी वजह से रुपया मजबूत हुआ। करेंसी बाजार से जुड़े डीलरों का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने से रुपए को सहारा मिला है। साइबर फ्रॉड और अनचाही कॉल्स पर अब जल्द लगाम लगने जा रही है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पहले सिम कार्ड खरीदना बहुत आसान था, कई लोग थोक में सिम कार्ड खरीद लेते थे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने थोक में मिलने वाले सिम कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब रिटेलर थोक में सिम कार्ड नहीं बेच सकेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को केवाईसी प्रोसेस पूरी करने पर थोक सिम कार्ड जारी करने की अनुमति होगी। टेलीकॉम कंपनियां भी एक बार में केवल 100 सिम कार्ड ही इशू कर पाएंगी। नए नियम के अनुसार सिम कार्ड जारी करने से पहले खरीदने वाले के पते का फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, ग्राहकों को यह हलफनामा भी देना होगा कि वह सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। बाजार नियामक सेवी ने आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए अब ऑडियो वीडियो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कंपनी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी। इससे निवेशकों को कंपनी के बारे में जानकारी जुटाना आसान होगा। इसके साथ ही निवेशकों को आईपीओ के फीचर्स वगैरह को लेकर अलग से कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी। निवेशक चलते फिरते या कोई काम करते हुए भी कंपनी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में हासिल कर सकेंगे। शुरुआत में यह अंग्रेजी और हिंदी में होगा, बाद में यह अन्य भाषाओं में जोड़ा जाएगा। देश में मौजूदा स्थिति और भविष्य की धारणा दोनों ही मामले में शहरी उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय कल्याण से जुड़े इंडेक्स में सुधार हुआ है। जहां एक ओर लोगों ने अगले वर्ष तक अपनी आमदनी बढ़ने की बात कही है, वहीं अगले साल अधिक बचत और निवेश करने की भी बात कही। होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस के उपभोक्ता व्यवहार पर वार्षिक सर्वे में शामिल 52% लोगों ने माना पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में उनकी आय बढ़ी है। 74% लोगों की अगले साल तक आय बढ़ने की उम्मीद है। 66% लोग आने वाले साल में अधिक बचत और निवेश करने की मंशा जता रहे हैं। साल 2024 में व्यक्तिगत मासिक आय का औसत महानगरों में 35,000 रुपये और टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में 32,000 रुपये रहा। यह औसत पिछले साल महानगरों में 33,000 रुपये, बड़े शहरों में 30,000 और मझौले शहरों में 27,000 रुपये था। पूंजी बाजार नियामक सेवी ने लिस्टेड कंपनियों के शेयरों के रियल टाइम मूल्य आंकड़ों को विभिन्न मंचों सहित थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेवी ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग मंच, ऐप, वेबसाइट और वर्चुअल लेन देन सेवाएं या फिर फैंटेसी गेम के बारे में ये पाया था कि ये लिस्टेड कंपनियों के रियल टाइम शेयर मूल्यों के उतार चढ़ाव पर आधारित है। सेवी ने पाया था कि कुछ मंचों पर असल में वर्चुअल शेयर पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के आधार पर मौद्रिक प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। इसी आकलन के आधार पर सेवी ने निर्देश
निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत शेयर बाजारों और रजिस्टर्ड बाजार मध्यस्थों सहित अन्य सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रियल टाइम मूल्य डाटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर ना किया जाए। मध्यस्थों या संस्थानों को इस कंपनी के साथ समझौता करना होगा जिसके साथ वो रियल टाइम मूल्य डाटा शेयर करते हैं। ग्राहकों को कर्ज के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी ना देना हीरो फिनकॉर्प को भारी पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने के लिए हीरो फिनकॉर्प पर 3,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के लिए लगाया गया है। इससे कंपनी और उसके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हीरो फिनकॉर्प ने कर्ज लेने वालों को उनके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऋण के नियम और शर्तों के बारे में लिखित रूप से जानकारी नहीं दी थी। पिछले साल की तरह इस साल त्योहारी सीजन में प्याज महंगा ना हो इसके लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर ली है। सरकार ने प्याज का 5,00,000 टन का बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए किसानों से प्याज की खरीद शुरू कर दी गई है। देश भर में अधिक भंडारण केंद्र बनाए जा रहे हैं और रेडिएशन प्रोसेस के जरिए प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्याज भंडारण केंद्रों की स्थापना ऐसी जगह पर भी की जा रही है जहां से रेलवे स्टेशन पास हो ताकि रेल नेटवर्क के इस्तेमाल के जरिए प्याज का ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा। इससे त्योहारी सीजन में प्याज की सप्लाई करने में आसानी होगी। भारत में बिजली की मांग चालू सीजन की नई ऊंचाई 239.96 गीगावाट पर पहुंच गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में पारे के बढ़ते स्तर के कारण एसी और कूलर के अत्यधिक उपयोग के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग दिन के समय रहती है। इस बार गर्मी के मौसम में बिजली की मांग का रिकॉर्ड टूट सकता है। अत्यधिक मांग से बिजली आपूर्ति नेटवर्क पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आप चाहें तो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ सकते हैं और ज्यादा समझ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।